जी बाबा, अब तो हमने कुछ नहीं किया। इसे कैद में डालने के लिए बुलाया क्या? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है बच्चा, इसे क्यों सोचते है? बैठो बैठो, तुमसे जरूरी बात करना है, बैठो। शाबाश। देखो बच्चा, माजी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ। हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हम भी उसका जिम्मेदार है, मगर अभी हमको तुम्हारा मदद का जरूरत है। हमारा जरूरत, हमारा क्या हैसियत है हम आपका किसी काम आ सके? बाबा, हैसियत है तुम्हारा, ऐसा मत सोचो। तुम हमारा चनार खान का बीवी है, हमारा इकलौता बहन का बेटी है, हमको तो हर वक्त तुम्हारे अंदर अपना बैंड नजर आता है। आप हमको बोलेगा कि हम अपना माजी को भूल जाए और हम भूल जाएगा? ऐसा कैसे होगा? हमारा बच्चा वापस आ जाएगा? हम अपना उम्र गुजारा इस घर में एक नौकर की तरह, गुजरा उम्र कैसे वापस आ सकता है बाबा? आप हमको बताओ, अगर हम आपका किसी काम आ सकता है तो बाबा, नौकर मालिक का हुक्म कैसे नहीं मानेगा? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं बोलो, हम मामा है तुम्हारा, उस रिश्ते से तुमसे बदल मांगता है। रहा बच्चा, हमारा घर को बचा लो, हमारा घर जल रहा है। दुश्मन हम पर हावी होता जा रहा है बच्चा, और हमको यकीन है दुश्मन यहीं कहीं हमारा करीब है, शायद इसी घर में। मगर मामला बहुत नाजुक है, अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और तुम कर सकता है, तुम जमदा के करीब है, हमको लगता है कि वो हमसे अपना दुश्मनी निकाल रहा है। इसलिए तुम उस पर नजर रखो और हमको खबर करो। ये घर तुम्हारा भी है बच्चा, तुम्हारा अम्मा का घर है, तुमको इस घर में अपना अम्मा चलता फिरता नजर नहीं आता? बोलो। आता है बाबा, इसलिए तो इस घर में नौकर की तरह है, कैदी की तरह रह रहा है। हम तुमसे वादा करता है, तुमको तख्त में बिठाएगा। यह हमारा वादा है, दुराब खान का वादा है, और चनार खान भी तुमको अपने बीवी की तरह रखेगा। समझ गया बच्चा? हम इस घर का वफादार है बाबू। तो फिर बताओ, जमदा है ना इस सारे मामले के पीछे?
मारने का फैसला दिमाग में होता है, पर बादशाह खान का फैसला हमेशा से कमजोर था। बादशाह खान ने तो अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया ना, लेकिन चनार खान, उसने तो माफी का लफ्ज तक नहीं सीखा। हम जानते हैं चनार खान को, जो हुआ अच्छा हुआ, वरना आज सिर्फ एक लाश नहीं उठता। यही तो मैं चाहती थी। क्या बोला तुम? नहीं, कुछ नहीं। हमारा पास कोई सबूत नहीं है। देखो बरेरा, तुमको अपने अम्मा और हमारा बहन का कसम, हम सबूत के साथ बात करेगा। मेरी कहानी तो आपके सामने है ना। हमारा सामने तो तुम्हारा कहानी का वो हिस्सा है जिसे सब जानता है। तुम्हारा कहानी तो जारी है, जिसको तुम अपना अंदर छुपा कर बैठा है वो हमारा सामने नहीं है। मैं तो एक खुली किताब हूं ना बच्चा। इंसान मर जाता है पर किसी पर खुलता नहीं है। कैरम क्या बातें कर रहे हैं, छोड़ो। आपकी कहानी का तो कोई भी हिस्सा मुझे नहीं पता। हमारा जिंदगी का घड़ी तो बहुत पहले रुक गया था सामदा। देखो बार वक्त गुजर रहा है ना, हम वहीं का वहीं खड़ा है।